पुलिस मुख्यालय भोपाल से यातायात जागरूकता सप्ताह मनाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इन निर्देशों के पालन में पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह यादव के आदेश अनुसार नियम संबंधी पॉम्पलेट वितरित किए गए। पुलिस थाना यातायात के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा शासकीय कन्या महाविद्यालय BTI रोड जाकर छात्राओं को यातायात के नियमों की जानकारी दी, साथ ही उन्हें नियम संबंधी पैम्पलेट भी वितरित किए। जागरूकता अभियान के दौरान सभी छात्राओं को यातायात के नियमों का पालन करने एवं अपने परिवार में यातायात के नियमों का पालन करवाने की जानकारी दी गई। इसके पश्चात यातायात की टीम द्वारा जवाहर मार्ग स्थित ब्रिलियंट कोचिंग क्लास में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को यातायात के नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई, जिसमें दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है, दोपहिया वाहन पर 3 सवारी न चले, बिना लाइसेंस वाहन न चलाए आदि नियमों के बारे में बताया गया। साथ ही नियमों की जानकारी के पैम्पलेट भी वितरित किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। जिसमें आज आप सभी लोगों को थोड़ा सा जागरूक किया जा रहा है, जैसे आप सब लोग गया भी और बाकी स्टूडेंट को जागरूक तो पहले से ही आप लोग तो देखते भी रोड पर आप लोगों की जागरूकता अच्छी दिखती है हमें। तो आज हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोगों को थोड़ी सी एक बेसिक जानकारी दे दी जाए यातायात के बारे में, और फिर कल से उसमें कार्रवाई शुरू करेंगे। कल से जो आप बता रहे हैं, अगर आप उसका पालन नहीं करते हो हो चुकी है पिछली बार, और आज कुछ नए बच्चे भी शायद जुड़े होंगे, तो अवेयरनेस का जो प्रोग्राम है वो अवेयरनेस तो हमेशा एक ही जैसी रहती है, लेकिन बट ये कि प्रोग्राम में आज आप लोग जुड़े हैं तो कुछ नया सीखने और सुनने को मिलेगा। पहला थोड़ा मैं ट्रैफिक के बारे में बताना चाहूँगा। ये अवेयरनेस प्रोग्राम लगभग हर साल होता है, और इतनी जागरूकता अभियान चलाने के बाद इसमें प्रोग्राम करने के बाद भी लोगों में अवेयरनेस आ नहीं रही है, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। तो पहले स्तर पर और पूरे देश में जो परिवहन मंत्रालय है वहाँ से जाहिर की गई इस स्थिति की लोगों में अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाने के बाद भी लोग अवेयर नहीं हो रहे हैं, जाते हैं हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।